पिंपरी चिंचवड़ मनपा में 1600 से अधिक महिला कर्मचारी ठेके पर सफाई का काम कर रही है। इसके साथ ही 9000 से अधिक अन्य कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं। इस ठेका प्रथा को बंद किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जानी चाहिए। हटाए गए सभी कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखा जाए। श्रमिकों को दिवाली बोनस सहित सभी लाभ दिए जाए। पूर्व के अंतर व स्थायी कर्मियों के अनुसार वेतन व सुविधाएं दी जाए। पीएफ और ईएसआई का लाभ मिले। वेतन पर्ची आवश्यक है। ऐसी मांग कश्करी कामगार पंचायत के अध्यक्ष बाबा कामले ने की है। साथ ही कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप इन मुद्दों को सुलझाए बिना मेहनत कशों के साथ अन्याय करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम आपको सबक सिखाएंगे। आंदोलन संस्था के अध्यक्ष बाबा कामले के नेतृत्व में किया गया आंदोलन का मार्गदर्शन करते हुए बाबा कामले बोल रहे थे। घर काम महिला सभा अध्यक्ष आशा कामले, कष्टकारी कामगार पंचायत के मधुरा डांगे महासचिव, उपाध्यक्ष अनिल गाड़े आदि बड़ी संख्या में महिला व पुरुष सफाई कर्मी व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मनपा आयुक्त शेखर सिंह के आश्वासन के बाद आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया कि अब श्रमिकों की छटनी नहीं होगी और जिन श्रमिकों को हटा दिया गया है उन्हें तुरंत काम पर रखा जाएगा। बाबा कामले ने कहा कि शिकायतों पर कार्रवाई करने की बजाय मौनी बाबा की भूमिका निभा रहे हैं। हमने गरीब और पिछड़े वर्ग के मजदूर के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन शुरू किया है। कमिश्नर के आश्वासन के कारण आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया और बाबा कामले ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले 8 दिनों में मजदूरों के खिलाफ अन्याय रुकता नहीं है तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों के घर के सामने आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्स न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।